रोड। हम खड़े हैं चंदौसी में सीता रोड पर। ये आप देख सकते हैं कि ये आनंद भवन नाम का आवास है कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जी का। भाई हम बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ रहे, किस तरह से उन्होंने यहाँ वार्ता की, अब उनकी क्या स्थिति है और वो यहाँ कब से नहीं आए हैं, ये हम जानेंगे उनकी माता जी से। यहाँ उनकी माता जी अकेले रहती हैं और जो है लगातार वो अपने पुत्र के संपर्क में बनी हुई हैं और उनको लगातार आशीष दे रही हैं कि वो विजयी होंगे, वो कभी बेईमानी नहीं कर सकते, कभी गलत काम नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं उनकी माँ जी से। माँ जी आपका नाम क्या है? एंजू गुप्ता। राजीव कुमार जी से आपकी बात लगातार हो रही है, क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मैं तो मम्मी जी को चिंता बता रहा हूँ। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के, उन पे जो सीबीआई आरोप लगा रही है? ये सब बदले की भावना से कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपको पूर्ण विश्वास है? हाँ पूर्ण विश्वास है। आईपीएस राजीव कुमार जी की माता का पूर्ण विश्वास है कि उनका बेटा कभी गलत कर ही नहीं सकता और केंद्र सरकार बदले की भावना से सीबीआई के द्वारा उन पर दबाव बनाना चाहती है और उनको गलत तरीके से फंसाना चाहती है। प्रेम सिंह, ईटीवी भारत, संभल।